अब कतर के ऊपर भारत का गुस्सा जहां एक तरफ फूटा तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में चीनी कंपनियों ने अब शुरू किया तांडव। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो, चीन अपनी कारगुजारियों से कहीं भी बाज नहीं आता है। अब तक जितने देशों में चीन घुसा है, चीन ने सिर्फ यही मंशा जाहिर की है कि हमें लूटना है उस देश को, चाहे जैसे लूटना हो। बांग्लादेश अब बड़े एक्शन ले रहा है चीन के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। और बांग्लादेश को कहीं न कहीं इस तरह की हिम्मत भारत को देखकर हो रही है, भूटान को देखकर हो रही है, क्योंकि ये देश अब सीधे सीधे चीन से पंगे ले रहे हैं। भारत की देखा कि बांग्लादेश भी जो अब तक चुप था, वो भी चीन के ऊपर एक्शन ले रहा है। दरअसल हुआ ये है कि बांग्लादेश के अंदर चीनी कंपनियों ने अपना घर बसाना तो शुरू किया, लेकिन लूटना भी शुरू कर दिया। और लूटने के लिए ये हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे कि जब बांग्लादेश सरकार कई तरह के व्यापार पर रोक लगा रही है, तो चीनी कंपनियों को पाया गया कि इन्होंने नकली कागजात बना लिए, और नकली कागजात बनाकर ऐसी चीजों का भी व्यापार कर रहे हैं जिस व्यापार को बांग्लादेश सरकार रोकती है। और जब से बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, उसके बाद से चीन की कई कंपनियों के ऊपर केस दर्ज कराए जा रहा है बांग्लादेश। और सच मानिए, ये जो संख्या है, ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाल आपने ये देखा होगा कि चीन ने बांग्लादेश को एक चेतावनी दी, और इस चेतावनी में ये कहा, खास तौर पर क्वाड को लेकर, कि आप क्वाड में घुसने की कोशिश मत करना और राजनीतिक ब्लॉक का हिस्सा मत बनना। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वजह ये है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे चीन के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर चुका है, और चीन की हांगजो यूनियन बायोटेक्निकल कंपनी लिमिटेड के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया है। अब केस क्यों दर्ज किया है, क्योंकि इन्होंने ऐसी दवाइयों को बनाना शुरू कर दिया है जो दवाइयां कैंसर का खतरा बढ़ाती है, और इसके आयात और निर्यात या बनाने में भी बांग्लादेश में रोक है, और ये दंडनीय अपराध है। पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो देखा गया चीनी कंपनियां धड़ल्ले से इन चीजों को बांग्लादेश के अंदर बेच रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कर रही हैं, बल्कि चीन की चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी भी अवैध रूप से रेत को बेच रही है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी पाई जा रही है चीनी कंपनियों के साथ। वैसे आपको बता दें, चीन की कंपनियों पर एक्शन पहले भारत ने इस क्षेत्र में शुरू किया, और भारत ने इनके षड्यंत्रों को उजागर करना शुरू किया, जिसके बाद अब बांग्लादेश भी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है इन चीनी कंपनियों पर। हालांकि चीन के साख के लिए ये सबसे बुरा है, क्योंकि भविष्य में कोई भी देश चीन को अपनी जगह नहीं देगा, और निवेश के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। से ये रूपरेखा अब देखने को मिल भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर खाड़ी देशों में बवाल जो मचा हुआ है, और सबसे पहले कतर ने इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था। कतर उस वक्त ये मोर्चा खोल रहा था जब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उस दौरे पर थे, वहीं पर थे, फिर भी भारतीय राजदूत को बुलाया, और यहां तक कि भारत सरकार से ये कहा कि आप सार्वजनिक माफी मांगे। कतर के इस बयान को पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान बताकर प्रचार भी किया। इस कारण भारतीय सामानों का कुछ देशों में बहिष्कार भी होने लगा। लेकिन आप जरा समझिए, कतर ऐसा क्यों कर रहा है? कतर की एक सोची समझी रणनीति है, उस रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है। कतर सऊदी अरब से आगे निकलना चाहता है। प्राकृतिक गैस से संपन्न ये छोटा सा देश ऐसे ऐसे काम करता है जो खिलाता है कि इसे दरअसल अरब देशों में चाहिए पावर। जो रिपोर्टें कहती हैं, वो रिपोर्ट ये कहती है कि कतर पर तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, हिजबुल्ला, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट समेत दुनिया के कई खूंखार आतंकी संगठनों से संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं। कतर पर इन आतंकी संगठनों की फंडिंग देने का और पनाह देने का भी आरोप लगा है। इसके बावजूद ये खाड़ी देश अपनी अमीरी के कारण इस्लाम को लेकर राजनीतिक एजेंडा चलाने से बाज नहीं आता है। 2014 में कतर पर आईएस की फंडिंग करने, 2020 में हिजबुल्ला को आर्थिक मदद देने, और जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी समूह अल नुसरा फ्रंट को पैसे भेजने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा
अलावा तालिबान के साथ कतर के रिश्ते तो दुनिया देख चुकी है। यही कारण है कि पिछले साल तालिबान ने जितनी भी बातचीत की वो कतर में ही की। तालिबान ने कतर में ही अपना राजनीतिक कार्यालय खुलवाया। इसी कार्यालय के जरिए तालिबान ने अमेरिका के साथ डील फाइनल की और इसी के कारण तालिबान को अफगानिस्तान में पकड़ जमाने का मौका मिला। कतर के दिए गए विमान में ही तालिबान के नेता उड़ान भरकर पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। ये वही तालिबान है जिसने अफगानिस्तान में लाखों लोगों का कत्लेआम किया, महिलाओं पर भयंकर जुल्म ढाए, लड़कियों की शिक्षा को बंद कर दिया। अब उसी तालिबान ने नागरिक सरकार को बंदूक के दम पर हटाकर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। द टाइम्स ऑफ लंदन के खबर के अनुसार कतर के शाह के एक निजी कार्यालय के जरिए अल नुसरा फ्रंट को अरबों डॉलर की मदद दी गई। सीरियाई संगठनों ने दावा किया कि इस फंडिंग के पीछे दो कतरी बैंक, कई दान, धनी व्यवसायी, प्रमुख राजनेता और नागरिक शामिल है। अल नुसरा फ्रंट वही है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूएनएससी ने आतंकी संगठन के रूप में नामित किया है। इसके अलावा जर्मनी के पूर्व विकास मंत्री गर्ड मुलर ने 2014 में कतर पर इस्लामिक स्टेट को पैसे देने का आरोप लगाया था। ये वही साल था जब इस आतंकवादी संगठन ने सीरिया और इराक में धर्म के नाम पर जमकर तबाही मचाई थी। 2020 में जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया था कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला के अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उसकी जांच के लिए अमेरिका ने एक टीम भेजी थी। आपको बता दें हिजबुल्ला को भी आतंकी संगठन के दायरे में रखा जा रहा है। अब कतर भारत के खिलाफ इस तरीके से आ रहा है जो साफ दिख रहा है कि अपने आप को आगे करने के लिए कतर भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती है। भारत ने एक तो एक्शन ले लिया है जो एक्शन लेना था। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि जिस शख्स ने ये बातें कही वो भारत के किसी गवर्नमेंटल चीज में, सरकारी चीज में नहीं था, यानी सरकार का हिस्सा नहीं था, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। भारत अपने सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कतर में ये मामला अभी रुका नहीं है। कतर की शूरा काउंसिल है जिसमें 45 मेंबर हैं और इन 45 मेंबर ने अब ये मांगा कि नहीं नहीं, भारत तो पहले माफी मांगे तभी हम मानेंगे। और कुवैत के कई स्टोर से भारत की के प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए गए हैं, जिसके बाद अब भारत सीधे सीधे मूड बना रहा है कि ये कहे कतर को कि ये सारी चीजों पर लगाम लगाओ आप जो हमारे रिश्तों को खराब कर रहा है। बहुत जल्द अगर आपको आधिकारिक बयान इस तरीके का दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहां इन देशों ने महामारी के समय हमारी मदद की थी तो हमने भी नेवल शिप के जरिए ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स, हजारों के सिलेंडर्स इन देशों में पहुंचाए। इसके अलावा अभी भी जो फूड क्राइसिस आने वाला है उसके लिए ये देश हमारे ऊपर ही निर्भर है। ऐसे में जल्द ही आप देखेंगे भारत भी दबाव बना रहा है कतर के ऊपर। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।